तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, क्या होता है ये हाइट यहाँ पे जेड लिया हमने तो इट इज प्रोपोर्शनल टू डीवी, मतलब एनी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस है हाइट, वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट, सो डीवी बाई डीजेड इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ, ये क्या हो गया ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों। विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ऑफ लेयर्स, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, दैट इंप्लाइज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, है ना, माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी जेड, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो विस्कस फोर्स क्या है, माइनस ईटा ए, है ना, डीवी अपॉन डी जेड, मतलब है ना वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो ईटा क्या है, ईटा इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझ आया ना बच्चों, इज दैट क्लियर, है यस ना। सर, तो ये है विस्कस फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो विस्कस फोर्स का यूनिट क्या है बेसिकली, है ना। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट्स, ठीक है ना। तो यूनिट क्या है बच्चों बेसिकली, या फिर ना सॉरी, यूनिट तो विस्कस फोर्स का तो न्यूटन्स है ना, लेकिन कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, है ना। तो बेसिकली F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डीजेड, है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, हाँ सर माइनस ईटा था ना। माइनस, माइनस क्यों है, व्हाई माइनस इज देयर, ये माइनस यहाँ पे क्यों आएगा बच्चों, बोलो। अरे माइनस ना ये ग्रेडियंट के वजह से आता है, डीवी नेगेटिव है ना बच्चों, ठीक है ना। डीवी जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन यूज करने से फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस साइन यूज किया जाता है ना, है ना। यस सर, तो यस सर, बेसिकली आई कैन से दैट सिंस डीवी इज नेगेटिव, सिंस ना डीवी अपॉन डीजेड इज नेगेटिव, डीवी नेगेटिव होने से डीवी अपॉन डीजेड भी होगा नेगेटिव, इज नेगेटिव, सो बाय अप्लाइंग नेगेटिव साइन द होल क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव,
द होल क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है ना, और फोर्स बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लेने के लिए ना यहाँ पे माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। सो बेसिकली व्हाट इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज दिस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है बेसिकली ईटा, ईटा क्या है, ईटा है फोर्स इनटू बाय एरिया इनटू डीजेड बाय डीवी। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डी जेड है मीटर, और ये होगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली वी टेक 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यूनिट क्या है, we take unit as 1 poise, है ना। so basically we take 1 poise equal to, ना इसको थोड़ा अच्छे से नोट करो बच्चों, basically यूनिट क्या होना चाहिए, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हम न्यूटन, है ना, हम यूनिट किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यूनिट 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को यूनिट ले रहे हैं, दैट इज 1 poise is equal to 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहे बच्चों, है ना। सो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इज टेकन एज 1 यूनिट, है ना। सो समझ में आया ना, ठीक है। सो 1 यूनिट जो है, इंस्टेड ऑफ 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इट इज 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ आ रहा है बच्चों। यस सर, यस सर, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब, है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब, है ना, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब, है ना, और पॉइज़न्स पॉइज़न्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस ना, फ्लो ऑफ through a narrow tube. So basically what is flow of liquid through a narrow tube, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम POISUI double L E S equation, है ना। So this equation is actually, it gives a formula of rate of flow of liquid in a narrow tube, है ना। तो basically ये जो equation है, this equation
gives a formula of rate of flow of liquid through a narrow tube. Through a narrow tube, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला क्या है ना? Rate of flow of liquid का फॉर्मूला देता है through a narrow tube, है ना? So basically L मान लो, if L is the length of a narrow tube, L क्या है? L is length of a narrow tube, है ना? L क्या है? Length of a narrow tube. L is length of a narrow tube, ठीक है ना? फिर P क्या है? P is pressure difference between the ends of the narrow tube. P क्या है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ नैरो ट्यूब, है ना? उसके बाद अच्छा P को छोड़ के है ना, अच्छा और एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं. अगर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स है, P बाय L एक और एक क्वांटिटी है ना, P बाय L, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट. दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर. पी बाय एल विल बी कॉल्ड प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, है ना बच्चों? ठीक है, तो मान लो एक ट्यूब का लेंथ एल हो गया, प्रेशर डिफरेंस वो ट्यूब के एंड्स के अक्रॉस का जो प्रेशर डिफरेंस है वो पी हो गया. पी बाय एल जो है वो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, है ना? R जो है, R हो गया रेडियस ऑफ द ट्यूब. R क्या हो गया? रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब. R क्या हो गया? रेडियस ऑफ